एक नगर में कर्मकांडी पंडित जी थे। वे पूजा पाठ करते और जो दान दक्षिणा मिल जाती उसी से अपनी गृहस्थी का गुजारा करते। वे पूजा पाठ करके अपनी जीविका चलाते थे। उनकी एक ही लाडली बिटिया थी, जिसके बड़े होने पर उसके विवाह की चिंता पंडित जी को सताती। वे सोचा करते कि मेरी इतनी कम आय से आखिर मैं बिटिया की ब्याह कैसे करूंगा। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोचा कि जो भी मुझे दक्षिणा से राशि मिलती है मैं उसकी कुछ रकम अभी से जमा करना शुरू कर दूं। और ऐसा सोचकर उन्होंने उस नगर के महाजन के पास जाकर के कहा कि हे महाजन, मेरी बेटी की ब्याह के भी कुछ साल बाकी हैं, तब तक मैं हर दिन कुछ राशि आपके पास जमा करता रहूंगा। जब वो ब्याह की योग हो जाएगी तो आप वो राशि मुझे लौटा दीजिएगा। इससे मेरे सिर पर बड़ा भार नहीं पड़ेगा और मैं अपनी बेटी की सम्मान के साथ शादी कर सकूंगा। महाजन ने पंडित जी की बात सुनकर हामी भर दी। अब पंडित जी हर दिन पूजा पाठ करते और जो भी दक्षिणा मिलती उसका कुछ हिस्सा महाजन के पास जमा कराते। समय गुजरता गया, ये सिलसिला चलता रहा और उनकी बिटिया जवान हो गई और सौभाग्य से उसका रिश्ता भी तय हो गया। पंडित जी तो निश्चिंत थे कि महाजन के पास उनकी राशि जमा है, इसलिए विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी। उन्होंने बड़े खुशी खुशी महाजन के घर जाकर अपनी जमा रकम मांगी। चूंकि ये करार अनलिखा था और महाजन की नीयत डोल गई, महाजन ने रुपया देने से इनकार कर दिया। पंडित जी ने उसे याद दिलाया कि वो रोज आकर के यहाँ पैसे जमा करता था। महाजन ने कहा कि कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई है, इसलिए इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तुमने मुझे पैसे दिए। महाजन की बात सुनकर पंडित जी के होश गुम हो गए। बरसों की पाई पाई जोड़ी रकम के मिलने की सारी संभावना खत्म हो गई थी। महाजन के नियत पलटने पर पंडित जी बहुत निराश और दुखी हो गए। वे दुखी मन से लौट रहे थे। अचानक उनके मन में आया कि क्यों न मैं राजा से इस न्याय की मांग करूं। वे राजा के दरबार में चले गए। वहां का राजा बड़ा न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। पंडित जी ने राजा से अपनी तकलीफें बताई और महाजन के व्यवहार की चर्चा की। राजा ने उनकी बात सुनकर के पंडित जी से कहा कि कोई भी ऐसा सबूत अगर तुम रखे हो तो मुझे दे दो, मैं महाजन से तुम्हारे पैसे वापस दिलवा दूंगा। पंडित जी ने कहा कि ये भरोसे की बात थी महाराज, मैं महाजन पर बहुत भरोसा करता था, इसी भरोसे के आधार पर मैंने उसे पैसे दिए और वो धीरे धीरे उसके पास जमा करता रहा। महाराज थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने इसका एक समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि पंडित जी, एक हफ्ते बाद इस नगर में मेरी सवारी निकलेगी। मैं अपने सैनिकों और हाथी घोड़ों और लाव लश्कर के साथ रास्ते से गुजरूंगा, तुम महाजन के घर के सामने खड़े रहना। और एक हफ्ते बाद राजा अपने सैनिकों के साथ हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले। वे रास्ते से गुजरते हुए उस महाजन के घर के पास पहुंचे। सारी फौज और हाथियों और घोड़ों के साथ महाराज जब महाजन के घर के पास पहुंचे तो पंडित जी महाजन के दरवाजे के सामने खड़े थे। राजा ने महाजन को देखा और फिर उसके सामने पंडित जी को देखा। उन्होंने पंडित जी को बड़े आदर के साथ बुलाया। कहो पंडित जी, कैसे हैं, सब कुशल तो है? आइए, मैं आपको अपने हाथी पर बैठाकर आगे छोड़ देता हूं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज। पंडित जी को राजा ने अपने हाथी पर बैठा लिया और सम्मान के साथ वहां से आगे निकल गए। कुछ दूर आगे जाने पर राजा ने पंडित जी को उतार दिया और कहा कि महाराज, अब आप घर जाएं। और राजा उस सवारी के साथ अपने महल में लौट आए। इधर महाजन ने देखा
कि उसके सामने ही पंडित जी को राजा ने बड़े आदर के साथ हाथी में बिठा कर ले गए। महाजन के मन में ख्याल आया कि इस पंडित का राजा से कितना अच्छा संबंध है, कितने अच्छे रिश्ते हैं, और मैंने इसके साथ गद्दारी की है, मैंने इसके पैसे खा लिए। वो डर गया। वो सोचने लगा कि पंडित जी राजा से मिलकर कोई बड़ी सजा मुझे दिलवा सकते हैं। वो घबराया हुआ पंडित जी के घर आया, उनके पैरों में गिर गया और जितनी रकम पंडित जी ने जमा की थी उस सारी रकम पंडित जी को लौटा दी। पंडित जी इस राशि को पाकर बड़े खुश हुए। उन्होंने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। महाजन हाथ जोड़कर चला गया। तब पंडित जी ने सोचा कि इस राजा ने कितनी बुद्धिमानी से उस महाजन पर प्रभाव डाल के मेरे पैसे वापस दिलवा दिए। वो राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगे और अपनी सारी बातें राजा को बताई। राजा ने पंडित जी को विदा किया। घर आकर पंडित जी ने सोचा कि जब संसार के एक राजा से मेरा परिचय होने मात्र से मेरी बिगड़ी बन गई, तो फिर राजाओं के राजा इस संसार के राजा के साथ अगर पहचान हो जाए तो क्या होगा। वे गदगद हो गए। सचमुच संसार के राजा से अगर दोस्ती हो जाए तो जिंदगी की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मन सुकून से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। पंडित जी बहुत गदगद हो गए। उन्होंने अपना दायित्व निभाया और सदा के लिए संसार के प्रपंच से दूर होकर भगवान के शरण में चले गए। सचमुच अगर साथ करें तो ऐसे राजा का, जिसके साथ जुड़कर जीवन धन्य हो जाए, सम्मानित हो जाए, पूजनीय हो जाए। पंडित जी भगवान से रिश्ता जोड़कर चले गए। सचमुच भगवान ही राजाओं के राजा हैं, ईश्वर ही राजाओं के राजा हैं। वे ही समय हैं, वे ही प्रकृति हैं, वे ही माया हैं, वे ही सम्मान हैं। यदि शरणागति कर लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। ईश्वर की शक्ति की कोई सीमा नहीं। वो किस मोड़ पर, किस मार्ग पर, किस वक्त जिंदगी को बदल देगा कोई नहीं जान सकता। पंडित जी के मन में बात आ गई, हमारे भी मन में बात आए कि ईश्वर से बड़ा राजा, समय से बड़ा राजा कोई नहीं है। हम समय का मान करें। समय ही ईश्वर के रूप में हमारे सामने हर हालात पैदा करता है। यदि विश्वास कर लें तो हालात बदलते देर नहीं लगती। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। हमारी मातृभाषा हिंदी को और हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए मेरी कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।